श्री राम जब अयोध्या गए थे और उसके बाद जब वापस लौटे, जब तक किन्नर समाज वहीं था, क्या इसके पीछे की कहानी है और क्या आयोजन होने जा रहा है? कोटा में किन्नर समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसको लेकर हम सीधी बात करते हैं। किस तरह का आयोजन है आपका यहाँ पर? पहले तो सबको जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं कोटा राजस्थान से शेफाली भाई बोल रही हूँ और ये हमारा एक सम्मेलन अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन हो रहा है और उसी के तहत अपने अयोध्या में रामलला की स्थापना होगी। उसमें खूब पूरा शहर खुशियां मना रहा है और वो खुशियां हम भी इस हमारे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में भी मनाएंगे। और ये हमारे किन्नर सम्मेलन, अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन जो है वो हमारी परंपरा से युगों युगों से चले आ रहा है। जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के, उनके नाम से हम ये सम्मेलन करते हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान के किन्नर सारे यहाँ पे उपस्थित होते हैं। फिर इसके अंदर हमारी कलश यात्रा वगैरह निकली जाती है और हम इसके अंदर हमारी पंचायतें भी होती है, इसमें हवन पूजा होता है। जो जिस शहर में सम्मेलन होता है उस शहर के वासियों के लिए सुख शांति के लिए, उनके घर में खुशियाँ रहे, उनकी तरक्की बरकत हो, सबके लिए प्रार्थना होती है और यही सब हमारे केंद्र सम्मेलन। अयोध्या में भी श्री राम मंदिर बन रहा है, आपका भी उसमें सहयोग रहता है? अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है तो उसमें हम सहयोग करने वाले कौन होते हैं? स्वयं तो स्वयं श्री राम करवाते हैं। और हाँ, श्री राम तो हमारे एक हिसाब से देखा जाए तो वही हमारे कुल देवता है, जिन्होंने आज जिनके बदौलत हम आप लोगों के बीच में आते हैं आपकी खुशियों में, और उनके बदौलत हमारे को उनके नाम से हमें नेक मिलता है और जिस उसी से हमारा घर चलता है और जो ये नेक मिला है उसी से हम जो भी कर रहे हैं ये आप लोगों के ही लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं सीधे तौर से कि किन्नर समाज का कोटा में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और जो भगवान श्री राम जो अब अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं उस को लेकर के भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान श्री राम के आयोजन होंगे। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से ये आयोजन होने वाला है। आप शर्मा जी बोलिए, आप बताइए कि किस तरह का ये आयोजन हो रहा है और आप कहाँ से आए हैं, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 2000 किन्नर समाज अहले पूरे भारतवर्ष से इकट्ठा होंगे और ये मानवता को हम संदेश दे कि हम श्री राम के हैं और श्री राम हमारे हैं। उन्होंने ही हम किन्नर समाज को वरदान मिला था और आज हम 22 तारीख को, कल 22 तारीख को रामराज्य के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है और ये हमारा कार्यक्रम कोटा में हो रहा है। कोटा वासियों के सारे यजमान जो हमारे देने वाले हैं उनकी सुख शांति कामना के लिए हो रही है, उनकी समृद्धि बनी रहे इसीलिए हो रहा है। भगवान राम से किस तरह से जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ जी, सभी को जय श्री राम। और भगवान प्रभु जो होंगे हमारे हृदय में विराजमान है और सभी लोग जानते हैं कि त्रेता युग से ही किन्नर समाज भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। का अयोध्या गए थे भगवान उस समय आप रह गए थे? जी जी, जब हम लोग भगवान वनवास के लिए गए थे तो नर और नारी चले गए थे और हम किन्नर समाज वहीं पर खड़े रह गए थे क्योंकि भगवान ने नर और नारी को प्रस्थान के लिए बोला था, हम किन्नर समाज को नहीं बोला था। तो हम वहीं 14 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। फिर भगवान का जब वापस आगमन हुआ उन्होंने हम लोग को आशीर्वाद दिया कि किन्नर समाज जिस भी घर में जाएंगे शुभ मांगलिक कार्यों में आशीर्वाद देंगे, उनकी आशीर्वाद सबसे पहले फलित होगा। जय श्री राम सभी। तो आप समझ सकते हैं कि जो किन्नर समाज का आशीर्वाद है वह फलीभूत होता है और इसको लेकर के ही भगवान श्री राम ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और बहुत बड़ा आयोजन है 500 साल बाद, जय देखते हैं इसको। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं बोल रही हूँ काजल नायक जबलपुर से, यहाँ हम कोटा में आए हुए हैं। ये जो ममता नायक जी हैं यहाँ पर सम्मेलन कर रही हैं तो हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कल 22 तारीख को हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है रामचंद्र जी को, लाला जी को लेकर पूजा पाठ होगी। कल हमारे यहाँ एक खिचड़ी का कार्यक्रम है, खिचड़ी तुलती है तो हमारे खिचड़ी तुली जाएगी। जो राम भगवान को लेकर हमारे यहाँ चांदी के तराजू में खिचड़ी तोलेंगे और मूर्ति रखकर तोलते हैं और वो तोल कर वो जो खाना जो खिचड़ी बनेगा तो कल हम लोग खिचड़ी ही खाएंगे, शुद्ध घी से बनेगा, ना उसमें तेल रहेगा ना मसाला रहेगा, सिर्फ शुद्ध घी से जीरे का बघार देके, हरी मिर्ची का बघार देके खिचड़ी बनेगा। तो कल हम खिचड़ी खाएंगे और राम राम लला के लिए दुआ, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे जैसे उनने पहले भी आशीर्वाद दिया हम लोगों को, है ना, पहले भी आशीर्वाद दिया। जब राजा दशरथ के पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए राजा दशरथ को,
तो राजा दशरथ जी ने मोती के माला हीरे जवाहरात उतार करके दाई को दिया, दाई जो नारा काटती है उनको दिया। तो दाई मना कर दी लेने से, कहने लगी नहीं हम इतना बड़ा दान नहीं ले सकती, तो भगवान है इनका दान हम कैसे लेंगे, अब हम क्या करें। तो राजा दशरथ जी ने घबरा गए कि अब ये दान कौन को दूँ यार, शहर में किसको दूँ। ब्रह्मा जी को उतारे, प्रार्थना करे हम ये दान किसको दें, तो कहने लगे आप किन्नर समाज को दो। अब किन्नर समाज कहाँ है, उस समय नहीं थे किन्नर समाज, तब नहीं थे किन्नर समाज नहीं थे। तो बोले किन्नर समाज कौन है, कहाँ से उतारूँ, ये क्या होता है। कहने लगे आप जाओ भोलेनाथ के पास, उनसे पूछो। तो भोलेनाथ जी अर्धनारेश्वर रूप लेकर धरती में उतरे, रामलला की बधाई लेने के लिए भोलेनाथ जी अर्धनारेश्वर लेकर धरती में उतरे। फिर वो रखे किन्नरों का भेष, फिर उनने वो दान स्वीकार किया। फिर तब से वो परंपरा चली आई है कि हम उनके रामलला के जन्म की भी बधाई लिए। जब फिर वो किन्नर समाज आ गए, पैदा हो गए, तभी किन्नर समाज पैदा हुए भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप से। फिर जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो फिर हम भी गए वहाँ उनके पीछे पीछे। फिर जब वो लौटते हैं, सारे नर नारी चले गए लौट कर, हम किन्नर समाज बैठे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बैठे रह गए थे वहाँ। वापस आए वो, कहने लगे आप क्यों नहीं गए, ये कौन है, ये दीमक लगा हुआ है एकदम, कौन है ये, क्या है ये, पहचान ही में नहीं आ रहे थे। रामलला कहने लगे, तो कहने लगी ये किन्नर समाज है और ये 14 वर्ष से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रामलला ने हम लोग को आशीर्वाद दिया कि जाओ कलयुग में राज करोगे, बढ़ने वालों के घर में जाओगे, घटने वालों के नहीं, कोठी बंगला सोना चांदी देखकर नहीं जाओगे, आप खुशी देखकर जाओगे। किसी के घर में लाखों की माया हो, करोड़ों की माया हो, और उसके घर में आस नहीं, औलाद नहीं, पुत्र नहीं, उधर हमारा कोई काम नहीं। हमारे पूरे ऑल इंडिया के किन्नर आए हुए हैं, हमारे राम जी की खुशी में, हमारे बड़े बूढ़ों की खुशी में हो रहा है ये सम्मेलन। हमारे शहरवासी कोटा के सब अच्छे रहें, जजमान हमारे खूब फले फूले। मैं कोटा से हूँ, श्रीपुरा से, ममता बुआ जी की चेला है ना जी। हमारे शहरवासी, हमारे राम जी आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। हमारे ऑल इंडिया के किन्नर पधारे हैं सम्मेलन में, है ना जी। आज जितने मेरे शहरवासी, हमारे जजमान है, मालक उनको अच्छा रखे, राम जी उनको खूब फले फूले, हमारी दिल से दुआ है। हम सभी किन्नर दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, है ना जी। नमस्कार। हाँ जी, हम तो यही कर रहे हैं अपने कि राम जी, 14 वर्ष हमने तपस्या करी तो आज हमें फल भी मिल रहा है, कलयुग में हमारा नाम हो रहा है, और बच्चे वालों के लिए आज इतना बड़ा सम्मेलन करा है मेरी गुरु जी ने, खूब बच्चे वालों के लिए दुआ दे रहे हैं। यहाँ पे कम से कम अन्य किन्नर पता नहीं कहाँ कहाँ शहर से आए हुए हैं किन्नर, सारे किन्नर मिल के बच्चे वालों को दुआ आशीष दे रहे हैं। राम राम जी, जय सिया राम। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आयोजन होने जा रहा है और कितना बड़ा आयोजन है, और भगवान जो श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं उसका भी यहाँ पर एक बड़ा, बहुत बड़ा आयोजन है, उसको लेकर के भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, कलश यात्राएं निकलेंगी, मांगलिक गीत गाए जाएंगे, और ऐसे कई आयोजन किन्नर समाज द्वारा कोटा में किए जा रहे हैं, और इनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसको लेकर के भी यहाँ पर तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं। कोटा से ABP न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।